जय हिंद दोस्तों। बाहर की तरह निकला हुआ था तो ये देखो यार, लाखों लोगों की नज़र इस पर पड़ी होगी। ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये ठीक है, हरा पौधा है। ये 2-2.5 साल इसकी तकरीबन एज हो गई है। इस रूप में मैंने भी 3-4 पौधे लगवाए हुए हैं इस रूप में पूरे, ठीक है। ये पूरी रोज आ रही है ये ठीक है। इनकी लाइफ तकरीबन 2 या 2.5 साल के आसपास के पौधे हो चुके हैं और ये गिरा होगा। वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों मेरे को ये बताना नहीं है कि मैं इस पेड़ को खड़ा करूंगा और बड़ा करूंगा, ठीक है। पेड़ खड़े और बड़े में करते रहता हूं, मतलब ये है कि इनका मतलब कि लोग देखते हैं लेकिन इतना समय उनके पास नहीं है कि मतलब एक पौधा जो अच्छी तरह खड़ा हो गया, ग्रोथ कर गया, कल छाया देगा। जब धूप होती है तो छाया में जाने के लिए बहुत छाया के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जब पौधा गिरता तो उठाता कोई नहीं है। भाई ये गिरा है तो गिरा रहेगा, ये सड़ जाए यहाँ पे, ये कोई माइकल लाल इसको खड़ा करने को भी राजी नहीं होगा। छाया सबको चाहिए है, ठीक है दोस्तों, छाया सबको चाहिए। लेकिन अभी इसकी अगर इसी हालत में रहेगा, ठीक है, इसी हालत में रहेगा तो सूख जाएगा, ठीक है। हरा भरा फसला पेड़ हुआ, बरसात का मौसम आ रहा, 2.5 साल का तकरीबन हो चुका है। कल के दिन बड़ा होगा, खड़ा होगा, लेकिन खड़ा होने की कोई मतलब नहीं होता यार। अभी मैं जा रहा था तो मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा यार ये देखो अच्छा खासा पौधा गिरा हुआ है, तो इसको मैं सीधा करूँगा, खड़ा करूँगा। दोस्तों मेहरबानी करके कभी भी आपका जन्मदिन होता है एक पौधा लगाए, और ऐसा कोई भी रास्ते में पौधा गिरा हुआ मिलता है तो उसको खड़ा कर दे स्टैंड को यार, ताकि ये पेड़ खड़ा होगा, बड़ा होगा तो खड़ा होगा। ये पेड़ है तभी ऑक्सीजन की किल्लत हो रही, लोग मर रहे हैं दुनिया के अंदर, ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। लेकिन पेड़ गिरता है उसको हम उठाते नहीं, पेड़ तो लगाते नहीं है, पेड़ तो हमने लगाना छोड़ ही दिया, ठीक है। बर्थडे हो कोई भी पालो, हम दुनिया भर का इंजॉय कर लेंगे, लेकिन एक पौधा लगाने में तो हमारी नानी मर जाती है, ठीक है। पौधे से सब कुछ हमें चाहिए। अब ये गिरा है, ये कल से गिरा होगा, लेकिन किसी ने मेहरबानी ने इसको उठाने की कोशिश नहीं करी है। मेहरबानी करके दोस्तों कभी आपका बर्थडे वगैरह कोई आता है तो एक पौधा लगाए, मान लिया एक पौधा लगाए, लगाने का मतलब ये नहीं लगाए लेकिन उसका पानी भी ज़रूर डाला। अभी मैं इस पौधे को खड़ा करूँगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अभी ये खड़ा हो गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये गिरेगा, गिर पाएगी तो फिर भी ये गिरेगा, ठीक है। लेकिन इंसानियत के नाते मतलब कोई पेड़ गिरा है, टहनी गिरी है, तो उस पेड़ को सीधा करने में क्या तुम्हें शर्म आती है? तुम्हारे पास टाइम नहीं है क्या, या भगवान से ही बड़े हो आप? ऑक्सीजन की इतनी कमी से लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन मिल नहीं रही, पेड़ लग नहीं रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए सब कुछ फैसिलिटी चाहिए, लेकिन हमें ऐसा काम नहीं करेंगे। दोस्तों अभी पेड़ खड़ा हो गया, ठीक है, खड़ा हो गया। अभी शाम को आके फिर इसको मैं लगा दूंगा, हाँ शाम को आके एक कील ठोक के इसको मैं एंकर करके चले जाऊंगा दोनों साइड से, ताकि ये गिरे ना, ये गिरे ना दोबारा, ताकि ये पेड़ 2.5 साल का तो हो ही गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पौधा तो अभी खड़ा कर दिया है। अभी तकरीबन अब हिलेगा, लेकिन मैं शाम को ठीक कर दूंगा, इसको गिर रहा है कोई बात नहीं, अभी लग गया है। तो मेहरबानी की दोस्तों, दिल नहीं पेड़ लगाया, घाव नहीं छाव देंगे, किसी का नाम पौधे में लिख दे, अपने का नाम पौधे में लिखने से बेहतर है कि उसके नाम का एक पेड़ लगाए, ठीक है। और किसी पेड़ में किसी का नाम लिखने से पहले, ठीक है, उसकी नाम का एक पौधा लगा लो, वो बेटर रहेगा, तो उसकी याद लगाए तो उड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा। तो मेहरबानी करके कोई भी पेड़ गिरा हुआ रहता है, एंगल गिरा होता है, वो खड़ा कर दे मेहरबानी करके यार, देखते हो तो इतना बढ़िया हो रहा है, 2-2.5 साल के पौधे, इतने बढ़िया पौधे हो रहे हैं, बढ़िया ये 2-2.5 साल के हो गए, इतने बड़े हो गए, तो यार गिर जाता है, अगर एंगल गिरता है तो खड़ा कर दो पौधा, ये इतने बढ़िया पौधा हो रहा है ये, ठीक है। कमी है क्या, लगाने वाले लगाए, कितनी मेहरबानी, दिल्ली के अंदर दुनिया के अच्छे से ज़्यादा पौधे दिल्ली के अंदर होंगे, ठीक है। बढ़िया पौधे हैं, हरियाली हो रही है, बरसात का मौसम आने वाला है, फसल का हरियाली हो रही है, चारों ओर तिरंगा ऊपर लहरा रहा है दोस्तों, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की, झंडा ऊंचा रहेगा, झंडा ऊंचा रहेगा, इंडिया आर्मी रख रही है दोस्तों, ठीक है। बाकी झोल अंदर क्या है उससे तो भारत को दे, भगवान ही बचाए।